सब्सक्राइब कीजिए लेडीज दुनिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं आज आपको एप्पल की कुल्फ़ी कैसे बनाते हैं ये सिखाने वाली हूँ। ये कुछ अलग ही तरीके से हम बनाएंगे और ये बहुत ही अनोखा और इंटरेस्टिंग चीज़ है। शायद आपने ऐसी कुल्फ़ी कभी नहीं खाई होगी, तो फिर देर किस बात की, चलिए इसे कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। मैं यहाँ पे पैकेट की दूध यूज़ कर रही हूँ। लगभग 1 लीटर तक मैं यहाँ पे इस कढ़ाई के अंदर डाल देती हूँ और इसे बॉईल होने तक इसे पकाएंगे। बीच में इसे हिलाते हुए और आग को धीमी आंच पे रखेंगे और इसे बीच में ऐसे हिलाते हुए रहेंगे ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। और मैं आयरन कढ़ाई के अंदर बना रही हूँ। आप भी हो सके तो आयरन कढ़ाई या फिर स्टील की कढ़ाई यूज़ करें। और ये थिकनेस बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून मलाई डाल देती हूँ, जो हम रोज़ दूध उबालते हैं और ऊपर अच्छी तरीके से मलाई बन के जम के रेडी हो जाता है, जो हमने स्टोर करके रखे हुए रहते हैं घी बनाने के लिए। वो मलाई मैंने यहाँ पे इसके अंदर डाल के मिक्स कर रही हूँ। इससे जो हमारी कुल्फ़ी है बहुत बढ़िया बनेगा। अब ये दूध उबाल आ रहा है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने एक बॉल में 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है और थोड़ा सा पानी डाल के उसकी स्लरी बना के इसके अंदर डाल के अच्छी तरीके से पका दिया है। और होने के बाद लगभग 1.5 घंटे तक मैंने पकाने के बाद ये ऑलमोस्ट बन चुका है। तो फिर वन बॉल तक मैं यहाँ पे इसके अंदर शुगर डाल देती हूँ और शुगर मेल्ट होने तक इसे पकाएंगे। लगभग 2 से 3 मिनट तक उतना पकाने के बाद गैस को ऑफ कर देते हैं। कढ़ाई के सारे किनारे ऐसे स्क्रैप करके निकाल देते हैं और ये अच्छी तरीके से गाढ़ी बन जाएगी। अब ये ठंडा होने के बाद इतनी गाढ़ी बन चुकी है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक और अच्छी है। तो फिर मैं इसे एक बॉल में निकाल देती हूँ। ये कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है और इस बेस को मैंने निकाल दिया है और इसके अंदर थोड़ा सा टूटी फ्रूटी ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा कटे हुए बादाम डाल देते हैं और इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। आप चाहे तो इसके अंदर पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं और क्रश किया हुआ इलायची भी डाल सकते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे 2 एप्पल ले लिया है, अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम इसे इसके ऊपर के हिस्से को ऐसे काट देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में मैं कैसे इसे निकाल दिया है मैंने। अब मेरे पास ऐसे एक टूल है, किचन की टूल, तो फिर इसकी सहायता से मैं इसके अंदर एप्पल के अंदर ऐसे डाल के एक गोल बना देती हूँ। आप चाहे तो नाइफ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी ये अच्छी तरीके से बन जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कैसे निकाल रही हूँ। सिर्फ गोल बना देना है, नीचे तक लेके मत जाना है। है ना, बहुत ही आसान, इतना ही करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा कर देना है। दूसरा एप्पल का भी मैं ऐसे ही निकाल के रख देती हूँ। जो हमने कुल्फ़ी की जो बेस बनाई थी और टूटी फ्रूटी ऐड करके जो मिक्सर बनाया था, इसके अंदर डालते हुए जाएंगे। अच्छी तरीके से फिल करेंगे इसके अंदर, एप्पल के अंदर। ये बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग और बहुत ही अट्रैक्टिव कुल्फ़ी बन के रेडी हो जाती है। और इसके ऊपर के ऐसे पार्ट को ऐसे ही चिपका के रख देते हैं। इसे अच्छी तरीके से फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देना है 3 से 4 घंटे तक, या फिर सेट होने तक। ये होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत हार्ड बन चुका है। तो फिर 15 से 20 मिनट्स ऐसे बाहर रखेंगे। 15 से 20 मिनट होने के बाद इसे मैं कट करके देख लेती हूँ। ये आसान हो जाता है निकालने के लिए और कट करने के लिए, है ना, बहुत ही कमाल का आइडिया। कितनी अच्छी तरीके से अब ये कट हो रहा है।
और कितनी बढ़िया दिख रही है और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। हेल्थ के साथ स्वीट का भी और फ्रूट्स का भी मज़ा लीजिए। और ये रेसिपी आपको आज ही ट्राई करना चाहिए। ये रेसिपी आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आप मिस ना कर पाए। तो फिर मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।